हाय एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू माय चैनल। और हेयर ग्रोथ के लिए मैंने आज एक ऑयल बनाना स्टार्ट किया है। ये कोकोनट ऑयल में मैंने करी लीव्स जो है वो डाल के रखे थे फॉर वन डे, और अभी इसे मैं बॉईल करूँगी। करी लीव्स में जो है वो बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स रहते हैं, जिसकी वजह से बालों की ग्रोथ जो है वो फास्ट होती है, बाल जल्दी जल्दी बढ़ जाते हैं और वाइट हेयर्स ब्लैक होने में मदद होती है। तो इसका ऑयल मैं आज बनाने वाली हूँ, तो प्रोसीजर जो है वो अभी स्टार्ट कर रही हूँ, तो रिकॉर्ड करके आपको दिखा रही हूँ। चलो, तो इसके लिए सबसे पहले मैं एक बर्तन लेती हूँ। तो अभी इस बर्तन में मैं सारा जो ये मिक्सचर है वो ऐड कर देती हूँ। इसे अच्छे से उबालेंगे और फिर इससे एक कपड़े के साथ, वस्त्र गाढ़ बोलते हैं हम मराठी में इसे, यानी पूरा छान लेंगे। जिनको बालों की समस्या है, यानी झड़ते हैं जिनके बाल, या जिनको बाल्डनेस है, उनको भी ये ऑयल की वजह से सर पे बाल जो है वो फिर से आ जाएंगे। तो ये ऐसा ऑयल है जिससे आपके बाल वाइट भी नहीं होंगे, डैंड्रफ भी नहीं होगा और टकले पे भी बाल आ जाएंगे। तो अभी इसे अच्छे से मैं उबाल लूँगी। इसे 5-10 मिनट तक, जब तक ये करी लीव्स जो है वो पूरी तरीके से ऐसे क्रिस्पी नहीं हो जाते, तब तक इसे उबालना है। ये एक औषधि है जिनको बालों की कुछ समस्या है, बाल्ड पैचेस पे भी, अगर बाल्ड पैचेस है तो वहाँ पे भी आपको देखेंगे कि रीग्रोथ जो है वो हो गई। मुझे खुद महसूस हुआ है कि जहाँ पे बाल्डनेस था वहाँ पे भी थोड़े थोड़े बाल, बेबी हेयर्स इस फॉर्मूला के वजह से आने लगे हैं। तो मैं अभी क्वांटिटी में करके रख रही हूँ, क्योंकि पहले मैं थोड़ा थोड़ा 3-4 डंडियाँ लेके करी लीव्स की ये ऑयल बनाती थी। अभी मैंने बहुत सारी करी लीव्स को लेकर ये ऑयल जो है वो बनाया है। तो ये की इंग्रेडिएंट है, बालों की समस्या अगर कोई भी है तो इस तरीके से ये ऑयल यूज़ करके आप बालों की समस्या को कम कर सकते हैं। करी लीव्स का ऑयल, अभी मैं कोई भी लकड़ी का स्पून होता है ना, उससे इसे स्टेयर करूंगी। ये ऑयल यूज करने के बाद आपको समझ में आएगा कि इतने जल्दी जल्दी आपके बाल बढ़ रहे हैं, और जहाँ पे बाल नहीं थे वहाँ पे भी बाल आना स्टार्ट हुआ है। ये एक ब्यूटी थेरेपी है फॉर योर हेयर्स, रीग्रोइंग योर हेयर एंड बाल्ड पैचेस जो है वहाँ पे भी बाल आना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैंने करी लीव्स को मिक्सर में ग्राइंड करके लिया है और इस तरीके से अभी ऑयल में इसे अच्छी तरीके से उबालूंगी।
जब तक ये करी लीव्स और ऑयल अलग से नहीं होते तब तक इसे उबालना है। ये आपकी हेयर ग्रोथ को इतना ज़्यादा फास्ट बना देगा। जहाँ पे बाल वाइट हुए हैं तो कुछ लोगों को वाइट बाल भी पसंद है, लेकिन जिनको वाइट बाल बिल्कुल पसंद नहीं है और वाइट बाल ब्लैक करने हैं फिर से, तो उनके लिए ये एक रामबाण उपाय है, रामबाण उपाय। यानी ये एक मेडिसिन है, इस मेडिसिन से आप बाल की फिर कब समस्या, बालों की कोई भी समस्या जो है वो रिपेयर कर सकते हैं। देखिए अच्छे से उबालिए इसे इस तरीके से, और फिर किसी कॉटन के कपड़े के साथ हमें इसे छान के किसी भी बोतल में रख देना है। सो देखिए अभी 10-15 मिनट उबालने के बाद ऑयल जो है वो अलग हो रहा है और लीव्स जो है वो अलग हो गई है, तो अब हम गैस को बंद कर सकते हैं। तो अभी मैं गैस को बंद कर देती हूँ। जलाना नहीं है हम इस ऑयल को, अभी गैस बंद कर देंगे और थोड़ा ठंडा होने के बाद इसे छानेंगे।